तो फिलहाल अपनी एक नई यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी कहाँ से पता है, प्रयागराज जंक्शन से। और अपनी जो यात्रा होगी वो होगी कालका हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस में, जो कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और वैसे इसका आने का टाइम 5:05 पे था, लेकिन गाड़ी 15 मिनट डिले है। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5। वैसे जो अपनी जो यात्रा होगी वो होगी हावड़ा तक, पूरा लास्ट जर्नी करेंगे हावड़ा तक, और देखते हैं हावड़ा कितने बजे की ट्रेन पहुंचाती है कालका नेताजी एक्सप्रेस। वैसे 6:25 का टाइम था कालका नेताजी एक्सप्रेस यहाँ मिर्जापुर पहुँचने का, लेकिन गाड़ी आई है 7:30 बजे, मतलब ट्रेन जो है 40-45 मिनट डीले चल रही है कालका नेताजी एक्सप्रेस। देखते हैं हावड़ा कितने बजे ये पहुँच जाती है। भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड में आपका स्वागत है, DDO में, जिसका नाम पहले मुगलसराय था। और ट्रेन 18 मिनट बिफोर आई है मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे, और वैसे 20-25 मिनट लेट थी, लेकिन ट्रेन ने कवर कर लिया है और वैसे पहुंच चुके हैं। और वैसे कालका एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो कालका एक्सप्रेस को मैं छोड़ दिया, अब ये पकड़ने वाला हूँ चंबल एक्सप्रेस। अब आगे देखते हैं, चंबल वाकई में बहुत खाली है। चलते आगे, सीट देखते हैं, मिलती है ना तो दोबारा पीछे की ओर देखेंगे। वैसे मुगलसराय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है चंबल एक्सप्रेस, और वैसे कालका एक्सप्रेस को छोड़ दिया इसलिए भीड़ उसमें बहुत ज़्यादा थी, इसमें तो कुछ ना कुछ राहत है इस ट्रेन में। The next morning. और वैसे मैं तो सो गया, और सुबह में जब नींद खुली तो पता लगा आसनसोल बर्धमान दुर्गापुर सभी स्किप हो गया, अब जाके नींद खुली है। वैसे आधा घंटा डीले चल रही है चंबल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अब थोड़ी देर में हावड़ा पहुंचने वाली है। Thank you.
वैसे ट्रेन जो है आउटर पे ही रुक गई है, चंबल एक्सप्रेस, और लोग आउटर से उतरना शुरू हो गए हैं। कंडीशन बहुत ज़्यादा है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, और अपने चंबल एक्सप्रेस 1 घंटा डीले आई है हावड़ा में। और चले चलते हैं बाहर, कम से कम 2 साल बाद आया हूँ। भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा है, और ट्रेन वैसे 1 घंटा डीले आई थी। और अब की बार जो मेरा जर्नी एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था, बाद में ठंडा भी लग गया था। अब ट्रेन की खिड़की वगैरह चाहे जितना भी बंद कर दो लेकिन ठंडा लगता ही है, कहीं ना कहीं से हवा जो है आती रहती है। अब अभी चल रहे हैं लेने होटल में रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे गोविंदा भाई के पास, तब आपको मैं। और वैसे रूम मुझको मिल गया है, अब मैं चलता हूँ 7 नंबर रूम पे, और चाचा हमको ले कर चला रहे हैं अंदर। ये आगे है हमारे, यही छोटा सा रूम है, देख लो भाई। वैसे यही वाला रूम ले लिया मैं इमरजेंसी में, इसलिए कल सुबह 8 बजे ट्रेन है और स्टेशन के पास में ही मैं रूम लिया हूँ। अगर मैं चांदनी आता गोविंदा भाई के यहाँ तो फिर मैं नहीं पहुँच पाता यहाँ पे। तो चलिए, थक गए हैं, अब मिलेंगे आपको बाद। एक बाबू घाट, तो अभी मैंने टिकट ले लिया है बाबू घाट के लिए, और ये टिकट बाबू घाट बस हो गया। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं शिप पे जर्नी कराता हूँ कोलकाता में, और जाएंगे बाबू घाट के लिए। अब वो रहा सामने हावड़ा ब्रिज, ये अपनी शिप लग रही है भाई बाबू घाट वाले, फिर देख रहे। भीड़ बहुत ज्यादा आ रहा है, चलिए साइड में एकदम खड़े होते हैं। वैसे अपनी सीट जो है हावड़ा से निकल चुकी है, और बाबू घाट थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है, थोड़ा बहुत मार्केट भी करना है। और जो आप ये हुगली नदी का जो पानी देख रहे हैं आप भाई, बहुत ज़्यादा बह रहा है, जो भी डूब गया है उसका पता नहीं चला कहाँ गया है। ठीक है, आप लोग भी कभी भी सिप के जर्नी करिए तो सावधान रहिए, ठीक है। वैसे सिप पे जर्नी हो गई, थोड़ी छोटी जर्नी थी, अब निकलते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट करते हैं, और उसके बाद
गोविंदा भाई के साथ मैरिज हॉल में चलते हैं और यहाँ आते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है यार कोलकाता में मुझे। चले निकलते हैं बाहर। धर्मतल्ला में यार बहुत ज़्यादा भीड़ है और निकलते हैं पहले मार्केट करने के लिए, तब बताते हैं। ये वाला नहीं चाहिए भैया। ये कोलकाता का ऐसी ड्रामा है, देख लीजिए आप लोग। और इस ट्राम में ट्रे की भी सुविधा है, ये देख लेंगे। वैसे कोलकाता ट्राम में यार बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि क्या बताएं। ये वाला जो ट्राम है ये एसी ट्राम है, कोलकाता का। वैसे भी कोलकाता का ये साल है।